सादर जय सियाराम। दोस्तों आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल, मैं हूं राकेश। आज हम आपको गरुण पुराण सरुद्धार की 12वें अध्याय की कथा एक असाकृत निरूपण मृत सह्यदान गोदान घटना अष्ट महादान वृत्सर्ग मध्यम षोडशी उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव राय प्रतिक्रिया जरूर लिखें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं गरुड़ पुराण सारोद्धार की 12वें अध्याय की कथा की ओर। गरुड़ जी कहते हैं, हे सुरेश्वर 11वें दिन के कृत विधान को भी बताइए, और हे जगदीश्वर वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। भगवान ने कहा, 11वें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी और दैहिक क्रिया करनी चाहिए। वेदों और शास्त्रों को अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रीत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी संध्या स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृतियों का विधिवत विधान आरंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक एन मंत्र सहित करना चाहिए। हे गुरु, सुवर्ण से विष्णु की, चांदी से ब्रह्मा की और तांबे से रुद्र की और लोहे से यम की प्रतिमा बनानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके ऊपर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की भी स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रुद्र वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करें कि उसके ऊपर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और दस घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को स्नान तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न हुए ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण वस्त्र वाहन तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र सप्तधान और प्रेतों के लिए और प्रेतों के प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक पुआ दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा या कंचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को सैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक
हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों सहित वृषक को वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग जैसे वृषोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खुर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषक का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ का वृषर्ग प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शरीर लाख के समान वर्ण का हो वह नील वृष कहलाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खूर और सिंह पिंगल वर्ण के हो उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस क्षण के समस्त अंग एक रंग के हो और पूंछ तथा खूर पिंगल वर्ण का हो उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वियों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक से आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो वह प्रभु नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हो उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ पांच प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी कथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृषभ का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र दिष्टा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक में यातना पा रहे हो, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग हम सब पर परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी यत्न पूर्वक वृष यज्ञ करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाले ग्रहों की तदत मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करें तथा शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौ की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकर बांधे बांधे और वैवाहिक विधान की वैवाहिक विधान के विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दें। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं, गंधर्व माल से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। तदंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र को इस मंत्र को पढ़ें। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भाव दौरान से भव सागर से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दे। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो वृषर्ग करता है मैं सदा उसे बल प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। जीवित अवस्था में भी वृषर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तथा स्वयं अपने उद्देश्य
ब्रह्मचर्य करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीने में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों ऐन संक्रांतियों में और विषुवत संक्रांतियों में ब्रह्मचर्य करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहिताचित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपने देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृतियों का संपादन करना चाहिए। सालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मण को दान दें। हे पक्षी अपुत्रवान तथा अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार वृत्सर्ग करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि से यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृत्सर्ग प्राप्त होती है जो वृत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था कुमार पौगर यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही कृतघ्न सूरापान करने वाला गुरु पत्नीगामी ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाले भी वृत्सर्ग पाप से वृत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग पापी कहे गए हैं, इसलिए हे तर्क सभी प्रयत्न करके वृत्सर्ग करना चाहिए। तीन लोक में वृत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध पीने वाले गाय का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह परलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण करके पूर्व सोदा श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ मृत स्थान में द्वार पर अर्धमार्ग में चिता में शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार छह पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशकात्र से पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन सोची श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा मध्यम में किए जाने वाला मध्यम सोची कहा जाता है, उसके विषय में तुम्हें कहता हूँ। मध्यम सोची में मलिन सोची भांति 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव, तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें, चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्य भाव, छठा कव्य भाव, सतवा पिंड काल को प्रदान करें, अठवा पिंड रुद्र को, नौवा पुरुष को, दसवा प्रेत को, ग्यारहवा पिंड विष्णु को प्रदान करें, बारहवा पिंड ब्रह्मा को, तेरहवा विष्णु को, चौदहवा शिव को, पंद्रहवा यम को, सोलहवा पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक त्रिपाक्षिक उनाष्टमासिक और उनवादिक इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैं तुम्हें बताया, हे तार्क इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाते हैं, इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए 16 त्रयी मलिन मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेत तत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक 16 त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वार अथवा दूसरे के द्वार दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्रों को विधि विधान पूर्वक 16 त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत
श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति के अर्धदैहिक क्रिया छया श्राद्ध यानी वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकरार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति को श्रद्धादि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए और तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार करना कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके एक वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए। अठवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर सैया दान और पद दान करना चाहिए। तीसरी गरुड़ पुराण अंतर्गत श्राद्धोद्धार एकादशा विधि निरूपण नामक 12वां अध्याय पूर्ण। इस तरह 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। एक बार बोलिए विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। सादर जय सियाराम दोस्तों।